आज हम आए हैं एडवांस स्टडीज घूमने। अम्ब्रेला जरूर कैरी करना, हमने भी किया हुआ है और टिकट हमने ले लिया है। अब हम अंदर चलते हैं। एक गार्ड सब पे भारी है। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं एडवांस स्टडीज घूमने एंड हम आपको भी साथ में घुमाएंगे। अभी फिलहाल 3 बज रहे हैं और गर्मी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है, बट 5 बजे क्योंकि ये क्लोज़ हो जाता है तो यही सबसे राइट टाइम है अभी आने का, वरना मॉर्निंग में भी आ सकते हैं। ये रास्ता काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे इतनी धूप नहीं रहती है, पेड़ की वजह से यहाँ पे काफ़ी छाँव रहता है। दो तीन दिन से मौसम काफ़ी अच्छा हुआ था, थोड़ा ठंडा हो गया था, बट आज फिर से गर्मी हो गई है और टेम्परेचर भी एकदम राइज कर गया है 30 डिग्री तक। वैसे तो जब तक ये खुला होता है तब तक धूप रहती रहती है, तो अम्ब्रेला जरूर कैरी करना, हमने भी किया हुआ है। तो ये भी हम पहुंच चुके हैं एडवांस स्टडीज, यहाँ की एंट्रेंस है एंड यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा और टिकट हमने ले लिया है। अब हम अंदर चलते हैं। कलंग भी समर जाते हैं यहाँ पे ज्यादा अच्छा दिखता है, स्प्रिंग में ये बहुत ज्यादा सुंदर होता है। ये जो सामने है ना, अभी ये मेन बिल्डिंग है, इसके अंदर गाइडेड टूर दिखाते हैं, तो अभी वो टूर 4 o'clock शुरू होने वाला है, शायद रोज़ भी 4 o'clock ही शुरू होता होगा। एक्चुअली इसके लिए ग्रुप बनाना पड़ता है, तो जितने ज़्यादा लोग होते हैं तभी ये वो उस टाइम के हिसाब से अंदर लेके जाते हैं। मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, अगर आप फोटोज़ वगैरह भी यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो गलती से भी इस लॉन में स्टेप मत कर देना, नहीं तो आपको फाइन लगेगा यहाँ पे। एंड क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो सबको देखते रहते हैं। एक गार्ड सब पे भारी है, don't mind your step. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. तो फाइनली यहाँ पे थोड़ी सी हवा चल रही है और थोड़ा शेड भी आ गया है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे शेड बिल्कुल भी नहीं होता है। इस रास्ते से आप आगे को आओगे तो यहाँ पे शेड ही शेड है, तो आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो थोड़ी देर, बिकॉज आजकल क्योंकि बहुत गर्मी है तो इतना ज़्यादा चलना भी अच्छी बात नहीं है, या बिना रुके चलते रहो। ये यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, क्या है, अरे हाँ। यहाँ की एक और अच्छी बात है, जो भी यहाँ पे फ्लावर्स प्लांट्स के शौकीन हैं उनके लिए यहाँ पे प्लांट्स फॉर सेल भी मिलते हैं। ये रास्ता है, आप जब यहाँ से आओगे ना इस रास्ते से, तो आपने सीधे यहाँ से नीचे को चल जाना, यहाँ पे इनकी नर्सरी है। ये जिन जिनको प्लांट्स पसंद है, फ्लावर्स पसंद है, वो लोग यहाँ से जाके वो नर्सरी एक्सप्लोर कर सकते हैं और प्लांट्स भी ले सकते हैं। देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है, यहाँ पे शिमला में ना फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है, वरना हर साल मतलब होती है, धूप में तो ऑब्वियसली होती है लेकिन इतनी ज़्यादा तो नहीं होती है, बिकॉज टेम्परेचर अभी 30 या 32 के अराउंड है। थोड़ी देर हवा खा के अब हम फिर से धूप में आ गए, अब हम यहाँ पे थोड़ी सी फोटोज वगैरह खींच सकते हैं। दिखाना बॉटल, दिखाना इसपे लिखा बॉटल दैट यू डिजर्व। गर्मी इतनी होती है ना, अपने आपको हाइड्रेटेड रखा करो एंड पानी की बॉटल तो हमेशा ही कैरी किया करो यहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ पे ना कैंटीन भी नहीं है, मींस कैफ़े नहीं है यहाँ पे, वो बंद हो गया किस रीज़न की वजह से वो तो पता नहीं है, बट पहले यहाँ पे वाटर वगैरह सब मिल जाता था, मैगी मिल जाती थी, चाय कॉफ़ी सब कुछ, बट वो बंद क्यों है अब पता नहीं, तो इसलिए बेटर है कि आप लोग घर से ही कुछ ले आओ। खाने का यहाँ पर अलाउड नहीं है शायद,
बट पानी तो आप कैरी कर ही सकते हो। तो यहाँ से ना एक और पॉइंट होता था, यहाँ से एक रोलिंग गार्डन होता था, वहाँ पे एक गार्डन जैसा उसका स्लोप था, तो उस पर बैठ के आप रोल कर सकते थे। बट मानसून की वजह से ना वो थोड़ा सा गिर गया था एरिया वहाँ से, और उस वजह से वहाँ का मेंटेनेंस है तो ये भी। जब से इन्होंने ये रोलिंग गार्डन बंद किया है, तब से ना यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड सा लगता है, ऐसा लगता है एरिया काफ़ी कम हो गया है। अब देखो सब पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने बचपन से इस एरिया को देखा है, तो हमने तो बहुत ज़्यादा देखा है, मतलब हमने वो साइड भी देखी है और ये पूरा तो ऑब्वियसली देखा ही है, तो हमको ऐसा लगता है कि जगह काफ़ी कम सी हो गई है। A few moments later. और यहाँ पे सबसे मज़ेदार चीज़ होती है ये स्टोन, तो उस पर बहुत मज़ा आता है चलना। अगर आप बेयर फुट चलो तो उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और वीडियोग्राफी दोनों ही अलाउड नहीं है प्रोहिबिटेड। तो गाइज हमने घूम लिया है अपना एडवांस स्टडीज, एंड आप लोग भी यहाँ पे ज़रूर आना घूमने, एंड शाम का टाइम ज़रूर प्रेफर करना। 5 o'clock ये बंद हो जाता है, इसलिए 5 o'clock से पहले आना, शाम का होके तो हवा मिलेगी। अभी टाइम 4:30 हो रहा है, आधे घंटे में ये बंद हो जाएगा। और मैं फिर से दिखा दूँ ये यहाँ का एंट्रेंस, आप यहाँ से अपनी कार ला सकते हो, प्राइवेट टैक्सी बोथ यहाँ से एग्जिट है, बट आप यहाँ पर सिर्फ ड्रॉप कर सकते हो। एंड आप वहाँ से टिकट लेके आओगे तो यहाँ पे गार्ड अंकल हो गए, आप इनको अपना टिकट शो कर सकते हो, फिर आपको एंट्रेंस मिल जाएगी। ये यहाँ से पे टिकट काउंटर है, आप यहाँ पे जा सकते हो अंदर, टिकट बाय कर सकते हो। एंड यहाँ पे कैफेटेरिया भी है और अंदर लाइब्रेरी भी है, तो अगर आप उसके शौकीन हो तो आप बुक्स भी पढ़ सकते हो वहाँ पे। बताओ फिर कैसा लगा आज का दिन, मज़ा आ गया? सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।